ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघव राम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल आप और आपका भविष्य कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूँ। आज हम बात करने वाले हैं मेष राशि की महिलाओं के धन भाव के बारे में। मेष राशि की महिलाओं को धन कैसे, कब, कितना मिलता है, इनका धन इनके पास कितना रहता है, इनका धन और कहाँ कहाँ फंस जाता है, साथ ही इनका वृद्धावस्था में इनके पास कितना धन रहता है और उसका क्या क्या ये उपयोग करती हैं, इस बारे में हम आज आप लोगों से बात करने वाले हैं। अब मेष राशि की जो महिलाएं होती हैं, ये इनका एक शारीरिक बनावट यह है कि इनका चेहरा थोड़ा गोल होता है, आंखें बड़ी होती हैं, मस्तक चौड़ा होता है, चेहरा भी भरा होता है, बालों की बड़ी शौकीन होती हैं, पहनने ओढ़ने की ये भी कपड़े, अच्छे कपड़े, अच्छे गहने की शौकीन होती हैं। बचपन से ये धन बचाने की बहुत जुगाड़ करती हैं, प्रयास करती हैं, धन इनको आता रहता है। कभी मम्मी पापा से मिल गया, कभी भाई बहनों से त्यों त्यौहार पे मिल गया, तो धन तो इनके पास बचपन से आता रहता है। ये धन बचाने के लिए कभी गुल्लक, कभी किताब कापी में छुपाएंगी, कभी अपनी माँ को रख देंगी, लेकिन इनका धन बहुत कम रुक पाता है। बचपन में ये थोड़े खाने पीने की शौकीन होती हैं, थोड़ा अच्छे कपड़े पहनना, सहेलियों के साथ पार्टी करना, दिखावा करना, तो ऐसा नहीं है कि ये कभी फिजूल खर्ची धन खर्च करती हैं, लेकिन ये है कि ये बड़ी सीधी होती हैं, भोली होती हैं। अब एक प्रकार से ये देखा जाए कि इनकी सहेलियाँ इनको इस तरह से बातचीत करेंगी, इनसे रिक्वेस्ट करेंगी कुछ खिलाओ पिलाओ, तो मेष राशि की जो लड़कियाँ होती हैं ये बड़ी शर्मीली स्वभाव की होती हैं। अब किसी ने, इनकी सहेली ने, दोस्त ने कह दिया मुझे ये खिला दो, वो खिला दो, तो ये ना चाहते हुए भी खिला ही देती हैं। इनका धन इस तरह से पार्टी बाजी में, खिलाने खाने में ही निकल जाता है। ये फिर प्रयास करेंगी, फिर धन बचाएंगी, अब मैं किसी को नहीं देने वाली हूँ, खर्च नहीं करने वाली हूँ, ऐसा ये सुबह सोचेंगी, प्लान बनाएंगी, और शाम होते होते फिर धन खर्च करने का कोई ना कोई कारण आ ही जाता है। कभी परिवार में किसी ने इनसे धन मांग लिया तो ये ना नहीं बोल पाती हैं, ये जानते हुए भी कि इनका धन कैसा आएगा, कितना आएगा, ये धन वापस मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन ये ना नहीं बोल पाती हैं और धन दे देती हैं। फिर ये धन मांगने में भी बड़ी हिचकिचाती हैं, शर्मीली स्वभाव, तो ये यही इनका एक स्वभाव जो होता है कि इनका जो धन होता है वो आता जाता रहता है। लेकिन यह है कि ये ईमानदार होती हैं, कभी अगर इन्होंने किसी का धन ले लिया तो ये उसे वापस करना कभी नहीं भूलती हैं, हमेशा इस बात का इनके ऊपर एक सिर पे बोझ हो जाता है कि उसका धन वापस करना है, जल्दी से जल्दी वापस करना है, और जैसे ही इनको कहीं ना कहीं धन प्राप्त होता है ये अपना लिया हुआ धन तुरंत वापस करती हैं। परिवार में भी देखा जाए तो ये किसी से मांग कर खाना इनको बहुत बुरा लगता है, ये अपने सहेलियों से तो कभी मांग कर मुझे ये खिलाओ वो खिलाओ, ये कभी ये इनके जीवन में नहीं आता है, बल्कि इनकी सहेलियाँ इनको समझती हैं कि ये बड़ी सीधी है, भोली है, तो इसकी प्रशंसा करो और ये अपना धन खर्च कर देती हैं। परंतु जब ये 22-24 वर्ष की हो जाती हैं, इनकी शादी हो जाती है, शादी के बाद ये कहीं ना कहीं अपना नौकरी इत्यादि करना ज़्यादा पसंद करती हैं। जब ये एक बार नौकरी करने लगती हैं तब इनका जो धन आता है वेतन से, वो धन ये धीरे धीरे बचाने की कोशिश करने लगती हैं। अब आप देखोगे कि मेष राशि की जो महिलाएं हैं ये शादी के बाद
भी अपने पति को कोई धन की आवश्यकता पड़ी, ससुराल में किसी को धन की आवश्यकता पड़ी, तो ये बड़े सहज भाव से उसको दे देती हैं। हाँ, अब ये बात आप मेष राशि की महिलाओं को पाओगे कि ये जिसको धन दे देती हैं आगे चलकर वही इनका विरोधी हो जाता है, ये इनके अंदर प्राकृतिक द्वेष पैदा हो जाता है। अगर ये अपना धन किसी को ना दे तो निश्चित है कि वो इनका विरोधी नहीं होगा। इनका पति छोड़ के बाकी घर में, अगर ससुराल में ये इन्होंने किसी को धन दिया और वो धन वापस मांगने का प्रयास किया, निश्चित इनका विरोध होता ही है। आगे चल के जब इनके बच्चे हो जाते हैं तब ये अपना धन खूब खर्च करती हैं। बच्चों के ऊपर तो ये अपना धन बिल्कुल निछावर करती हैं। इनके पास धन है नहीं है तो ये दूसरे से धन लेके बच्चों के पढ़ाई लिखाई रहन सहन में कोई कमी नहीं लाती हैं। अगर ये व्यापार करती हैं तो व्यापार करने वाले मेष राशि की महिलाएं समझदार होती हैं, वो व्यापार के दौरान अपना धन थोड़ा थोड़ा बचाती भी रहेंगी, व्यापार भी बढ़ाती रहेंगी और धन का अपना जो बैंक बैलेंस है उसको भी बनाए रखेंगी। अब चूंकि मेष राशि की महिलाएं गहने आभूषण की बड़ी शौकीन होती हैं, यही इनकी एक जमा पूंजी है कि ये जो गहने बना लिए, आभूषण बना लिए, तो वो धन इनका एक प्रकार से सेफ हो गया। इसके अलावा ये जो कैश धन अपने पास रखेंगी तो कोई ना कोई, क्योंकि ये बातों बातों में बता देती हैं। मैंने आपको बताया कि मेष राशि की महिलाएं बड़ी सीधी और सरल विचार की होती हैं, इनके अंदर बिल्कुल चापलूसी स्वार्थी भावना विरोधी भावना बिल्कुल नहीं होती है, लेकिन लोग इनका खूब फायदा उठाते हैं। इनका बहुत प्यार से ऐसा मांगेंगे धन कि ये बिल्कुल द्रवित हो जाती हैं, उसके दुख को देख नहीं पाती हैं, उसकी सहायता कर देती हैं। बाद में जब वो चाहे इनका कोई खास रिश्तेदार हो, इनका लगा संबंधी हो या मित्र हो सहेली हो, वो एक बार पैसा पा जाती है फिर देने का नाम नहीं लेती है, फिर अब उल्टे तुम चलो उसको गिड़गिड़ाओ, उसको रिक्वेस्ट करो। लेकिन ये है कि जिस तरह ये निश्चिल स्वभाव की होती हैं, इनका धन अगर कोई खा लेता है, बेईमानी कर लेता है, तो निश्चित तौर पे वो आगे चल के बहुत दुखी होता है। ये तो नेकी कर दरिया में डाल, नहीं मिला धन अपना दो चार दिन दुखी रहेंगी, फिर भूल जाएंगी, जाने दो हमारे भाग्य में नहीं लिखा था, दे दिया। इनको बार बार पछतावा होगा अपनी दोस्ती पर कि मैंने क्यों दे दिया, आगे ये फिर कसम खाएंगी कि अब मैं किसी को धन नहीं दूंगी। लेकिन ये सिलसिला इनका 35 साल तक चलता रहता है। 35 साल के बाद ये अपना बैंक बैलेंस मजबूत बढ़िया बनाती हैं। लेकिन एक बात यह है कि इनके रिश्तेदार नातेदार इनके पास आस पास धन मांगने के जुगाड़ में कुछ ना कुछ करते रहते हैं। मेष राशि की महिलाओं को अपना धन उतना ही देना चाहिए कि अगर नहीं भी वापस मिला तो कोई तकलीफ नहीं होगा, बल्कि ये मैं कहूँगा कि वो धन किसी गरीब को दान दे दो, किसी दुखी को दे दो, सहायता कर दो। लेकिन लोग जो मेष राशि के महिलाओं से धन मांगते हैं, निश्चित तौर पे उनको जरूर उस समय परेशानी होती है, लेकिन ये धन पाने के बाद में इनकी नियत में खोट आती ही आती है। ये एक बात ये ठीक है कि ये जो अपने पति को पैसा देती हैं तो अपने पति से वापस ले लेती, इनका पति पूरी ईमानदारी के साथ इनका धन वापस करता है। जब 35-40 के बाद ये अपना धन थोड़ा थोड़ा करके बचाती रहती हैं, ये अपना पूरा धन अपने बच्चों पर खर्च करती हैं। बच्चों के मामले में मैंने आपको बताया किसी तरह की कोई कमी नहीं रखती हैं। जब ये बच्चे भी पढ़ने लिखने लगते हैं, काफ़ी होशियार हो जाते हैं, तब ये अपना धन यानी कि 45 साल के बाद फिर बैलेंस बचाना शुरू कर देती हैं। इसी दौरान अगर फिर कोई चापलूसी करके इनका धन ना प्राप्त करे, इनको लोभ लालच दया भावना दिखा के ना प्राप्त करे, तो मेष राशि की महिलाएं 50 वर्ष आते आते इतना अपना बैंक
जमा पूंजी मजबूत कर लेती हैं कि इनका वृद्धावस्था किसी बिना किसी अभाव के आराम से व्यतीत होता है। ये यात्रा के दौरान भी खूब दान धर्म करती हैं, तीर्थ यात्रा भी करती हैं, अपने साथ साथ अपने बच्चों को भी तीर्थ यात्राएं कराएंगी, तीर्थ यात्रा का भी पूरा खर्च ये खुद उठाती हैं और वहाँ पर भी दान धर्म भी ये खूब करती हैं। लेकिन एक चीज़ आप देखोगे कि मेष राशि की महिलाओं को भगवान की कृपा बहुत अच्छी होती है, इनका कोई भी काम धन के लिए रुकेगा नहीं। इन्होंने सोच लिया भगवान मेरा ये काम रुक रहा है तो कहीं ना कहीं से इनको धन मिल जाता है, वही धन से इनका काम भी हो जाता है और भगवान के प्रति इनकी आस्था और बहुत बढ़ जाती है, तो भगवान की इनके प्रति जो पूजा पाठ है वो बहुत वृद्धि होती है। आगे चल के जब ये 50 के ऊपर उम्र होती है, यानी कि ये जब 60 वर्ष के बाद रिटायर होती है, तो इनके पास इतना धन रहता है कि ये अपना बैंक में जमा करके अस्थाई रूप से अपना आराम से वृद्धावस्था पार कर सकती हैं। परंतु ये भी देखा गया है कि जब मेष राशि की महिलाएं रिटायर होती हैं तो उनको कुछ ना कुछ दूसरा काम करने की बड़ी उत्सुकता होती है, ये करूं मैं इस पैसे से ये करूं, तो वो यहीं पर एक ऐसा 60 साल का उम्र होता है, एक ऐसा मोड यहाँ इनको धोखा खाने का बहुत बड़ा योग होता है। लोग बड़े बड़े लुभावने वादे लेकर इनके पास पहुँच जाएंगे, यहाँ पर इतना धन लगा दो तो ये इतने दिन में इतना हो जाएगा, या इस व्यापार में लगाओ तो ये व्यापार रातों रात चमकने लगेगा। तो ये इनकी भावुकता, सरल विचार जीवन भर ख़त्म नहीं होती है। यही बात है कि ये अपनी सरलता में अगर समझदारी ना करें तो ये नुकसान उठाती ही हैं, लेकिन ये लालच प्रलोभन में ना पड़ के अपने वृद्धावस्था का जो भी है पेंशन इत्यादि जमा पूंजी, उसको अगर ये बैंक में सुरक्षित रखती हैं तो इनको किसी से धन लेने की आवश्यकता जीवन में नहीं पड़ती है। वैसे तो मैंने आपको बताया कि ये आभूषण इत्यादि की बड़ी शौकीन होती हैं, तो ये थोड़ा थोड़ा आभूषण इत्यादि अपने लिए बनाती रहती हैं। इनके बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, इनकी शादी विवाह हो जाती है, ये इतनी दानशीलता होती है कि अपनी बहुओं को भी ये अच्छे अच्छे गहने इत्यादि बनवा कर देती है, उनको भी ये रंग बहुत ढंग से रखना चाहती हैं। अपनी लड़की के लिए तो ये विशेष दान धर्म करती हैं और अपना दामाद को भी बिल्कुल अपने बेटे जैसा मानती भी हैं, उसके किसी भी तरह की समस्या तकलीफ में ये पूरा सहायता करती हैं। लेकिन इनका पति जो है वो हमेशा इनको समझाता रहता है, किसी को फालतू धन ना दो। कभी कभी तो ये अपने पति की बात ना मानते हुए भी दूसरे की सहायता कर देती हैं, तो ये समझती कि हम सहायता कर रहे हैं, कल को ये व्यक्ति हमारा पैसा वापस कर देगा, लेकिन ऐसा बहुत कम देखा जाता है। ज़्यादातर इनके धन वापस मिलने में बड़ी समस्या पैदा होती है। सॉरी। फिर भी मेष राशि की महिलाओं का वृद्धावस्था, कहते हैं अंत भला तो सब भला, इनके अंत समय में भगवान की कृपा से इनके पास इतना धन रहता है कि ये आराम से अपना वृद्धावस्था पार करती हैं। इनके पति भी इनको समय समय पे इनको धन की सहायता देते हैं, बच्चे भी इनकी सहायता देते हैं। वैसे मैंने आपको बताया कि ये अपने बच्चों से भी धन लेना पसंद नहीं करती हैं, बच्चों को समझाती रहेंगी, कभी कभी तो इनके बच्चे युवा हो जाते हैं तो भी इनके पास धन है दे देंगी, ये काम कर डालो, ये घर ले लो, लेकिन ये अपने बच्चों के लिए अलग से एक अच्छा मकान, लड़की के लिए भी कोई ना कोई अच्छी व्यवस्था करके देती हैं। और यही कारण है कि कभी भी ये अपने बच्चों पर बोझ बनना नहीं पसंद करती हैं, अपने लिए भी ये अच्छा खासा घर मकान बना कर रखती हैं, और जब वृद्धावस्था आता है तब अपने पति के साथ बहुत प्रेम पूर्वक ये रहती भी हैं। और अगर किसी ने इनका धन हड़प कर लिया है तो निश्चित तौर पे वो बहुत दुखी जीवन व्यतीत करता है, और इनका जो सरल चित्त व्यवहार होता है ये आगे चलकर इनके भगवान के प्रति इनकी आस्था भी खूब होती है, और ये एक प्रकार का आप देखिए साधुवाद की तरह होती है, धन है तो भी ये खुश, नहीं है तो भी खुश,
कभी आप ये नहीं देखोगे कि ये धन के लिए बहुत परेशान है, हर किसी से ये पैसा मांगती है। धन रहेगा तो ये दान धर्म में पीछे नहीं रहती हैं, नहीं रहेगा तो हाथ जोड़ लेंगी, भाई माफ़ करो। तो इस तरह से इनका दान धर्म करना, आगे चल के ये सामाजिक क्षेत्र से जुड़ जाती हैं, सामाजिक काम में ये बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं, वहाँ भी ये खूब दान धर्म करती हैं। यही कारण है कि मेष राशि की महिलाएं आगे चलकर, क्योंकि इनके धन भाव में वृषभ राशि बैठती है, उसका स्वामी शुक्र होता है, शुक्र के बारे में जानते हैं कि ये बहुत सीधा सरल और ईमानदारी का ग्रह है, इसीलिए ये हमेशा एक नंबर का ईमानदारी का धन बचाती भी हैं और वो धन इनके पूरे जीवन काम आता है। मेष राशि की महिलाओं के लिए मैं यही सलाह दूंगा कि आप किसी को भी धन दीजिए, हाँ अगर किसी को धन देती हैं तो ये मानकर चलिए कि ये धन नहीं भी मिला तो मुझे कोई तकलीफ नहीं होगा, कष्ट नहीं होगा, लेकिन हम अपना मानसिक शांति बनाए रखेंगे। नातेदार रिश्तेदार का समय समय पे एक बार, यही आदत है कि ये जिसको एक बार धन देने लगेंगी वो बार बार इनसे धन मांगने की कोशिश करेगा, फिर जब ये धन देना मना करेंगी तो वही इनका फिर लड़ाई झगड़ा चालू हो जाएगा, विरोधी हो जाएगा, बुराई करेगा। तो मेष राशि की महिलाओं का जो धन भाव है ये बहुत सुंदर है, इनका वृद्धावस्था बहुत सुख शांति और आराम से व्यतीत होता है। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को मेष राशि की महिलाओं के धन भाव के बारे में बताया है। अब अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना मत भूलिए। नमस्कार।